अरे 100 करोड़ नीचे 2000 करोड़ हिंदू हो जाओ, हमारे को कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आरएसएस के लोगों ने, कुछ जातियों के लोग, उनके अंदर ये भरम फैलाया गया है कि तुम हिंदू हो, और उन हरामखोरों को 70% अति पिछड़ों की बात मैं करूं, उनको गायें गोबर, हिंदू मुस्लिम, हम कावड़ लाने वालों में नहीं है, हम स्कूल जाने वालों में, हिंदू राष्ट्र तो ना तो इन पे कभी बना और ना बन सकता। इनका बाप का बाप भी आ जाए ना, बीजेपी का, आरएसएस का, हम लोग ताकत के साथ खड़े हैं, 85% इनकी कब्रें खोद देंगे हरामियों की। आप क्या कह रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किस आधार पर बनाओगे? वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम एक तो कहते हो हिंदू और दूसरा चार वर्णों में बांट रखा है। अब देखना, ये मोदी जैसे अभी लंका में हुआ है, भागेगा। ओबीसी के जो मुर्दा जातियां हैं, जो अति पिछड़े हैं, अगर वो एक दिन के लिए अगर जग जाए ना, मोदी रात को भागेगा देश छोड़ करके। और एक बात और, आप बार बार मत कूदिए, बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आरएसएस की भाषा मत बोलिए। आप हिंदुओं की बात कर रहे हो ना, आप लेके आइए ना, इस देश के अंदर चार मठ हैं, करा जी आपको अलग मंदिर बना के दे देंगे। और राम जादो छुआ छात आज भी तुम्हारे दिमाग में, भयभीत नहीं जूतों से मारा है, भयभीत अलग मामला होता है। घरों में घुस घुस के बीजेपी के एमपी सांसद एमएलए कार्यकर्ताओं तक को पीटा है, क्योंकि लगातार शिक्षा का सत्र घटता जा रहा है और जातिगत भेदभाव लगातार 8 साल से जिस तरह बीजेपी की सरकार आई है तब से तो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो पहली जो मेन मांग है वो है जातिगत जनगणना। इस देश के अंदर जातियों की, वर्गों की, उनकी गिनतियां हो। तो रहे 100 करोड़ हिंदू हैं। अरे 100 करोड़ नीचे 2000 करोड़ हिंदू हो जाओ, हमारे को कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हिंदू हो, हमारे को कोई डर नहीं है। हम ये कहते हैं अगर हिंदू 2 हैं तो दूसरे कितने हैं उनकी जनगणना हो, अगर हिंदू ज्यादा हैं, उनकी अपनी हकमारी हो रही है तो उनको मिलना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इस देश के अंदर 3% लोग जो है वो लगातार 85% का हकमारी कर रहे हैं, और 85 का भी कैसे कर रहे हैं शिक्षा के मामले। लड़ाई देश में हिंदू बनाम मुसलमान की चल रही है। अरे हो रही है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है, आप आरक्षण की बात कर रहे हो। आरएसएस के लोगों ने, कुछ जातियों के लोग, उनके अंदर ये भरम फैलाया गया है कि तुम हिंदू हो, और ये आपकी बात सही है, मैं सत्य मैं फेंकूंगा नहीं, क्योंकि आज भी ओबीसी की 70% जो जातियां हैं कथाकथित वो हिंदू बनी बैठी हैं, और उनका खामियाजा जो 30% लोग हैं जो लगातार जेल यात्राएं कर रहे हैं, चाहे रोज आंदोलन कर रहे हैं, चाहे पुलिस गिरफ्तार करके डिटेन कर रही है, चाहे मुकदमे, वो 30% लोग आज भी जूझ रहे हैं। और उन हरामखोरों को 70% अति पिछड़ों की बात मैं करूं, उनको गायें गोबर, हिंदू मुस्लिम, उनके बच्चे मैंने गांव में जाके देखे है, शहर में जाकर देखे, उनके बच्चे 10+2 पास नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और आज का रेशो अगर हम देखेंगे ना, उसका आज का अगर रेशो देख रहे हैं तो 2 साल तो पहले ही सरकार ने खराब कर दिए, और अब उनके बच्चे हो गए 2+2 में, अब वो ऐसे गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं कि मेरे बेटे ने 2+2 कर ली। अगर सुनिए, अगर मैं उससे ये बात पूछूं कि आपका बेटा ने 2+2 कर ली है, आपके बेटे ने 2+2 कर ली है, और आपका बेटा अभी एक कंप्लेंट लिखनी है बिजली चोरी की मान लो, या जो है ना एक रास्ते चलते किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो 2+2 का छात्र कंप्लेंट लिख पाएगा। और हम कह रहे हैं, हमारा ये 4th-5वीं क्लास का छात्र, अभी 5वां 4th ही मान के चल रहे हैं, हमें किसी भी आधार पे, किसी भी मार पिटाई की, आरक्षण की, रिजर्वेशन की, जातिवाद की आप बात कर लो, क्योंकि हम उस रास्ते पे चले हैं, हम कावड़ लाने वालों में नहीं है, हम स्कूल जाने वालों में, हम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र तो ना तो इन पे कभी बना और ना बन सकता। इनका बाप का बाप भी आ जाए ना, बीजेपी का, आरएसएस का, हम लोग ताकत के साथ खड़े हैं, 85% इनकी कब्रें खोद देंगे हरामियों की। आप क्या कह रहे हो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किस आधार पर बनाओगे? वर्ण व्यवस्था,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम एक तो कहते हो हिंदू और दूसरा चार वर्णों में बांट रखा है। वाह जी वाह, वो दिन लग गए हैं ना ना। अब तो इनको ये डर हो रहा है, राम राज्य की जो सपना ले रहे थे ना, उन्होंने घोषणा कर दी 18 तारीख को, शायद आपको नहीं पता, जंत्र मंत्र पे घोषणा करके करके हिंदू राष्ट्र बन चुका है। तो आप अंदाजा लगा लिए, जब हिंदू राष्ट्र बन ही चुका है तो बनाएगा घंटा। अब उनको समय उनका बस कट ही रहा जैसे तैसे। अब देखना ये मोदी जैसे अभी लंका में हुआ है भागेगा, 50 साल और राज करेंगे। अरे 50 साल, 50 साल छोड़ दीजिए, आप ये 24 पार कर दे तो बहुत बड़ी बात है। 24 नहीं 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 नहीं, किसानों का आंदोलन देख लिया, जवानों का आंदोलन देख लिया और दलितों का आंदोलन देख लिया। जिस दिन ये ओबीसी का समाज, और खास करके मैं उन लोगों को कहता हूँ ओबीसी के जो मुर्दा जातियां हैं, जो अति पिछड़े हैं, अगर वो एक दिन के लिए अगर जग जाए ना, मोदी रात को भागेगा इस देश छोड़ करके, रात को भागेगा। सारा का सारा बीमारी इस देश के अंदर ओबीसी की जो अति पिछड़ी जातियां है, चाहे नाई है, कमार है, तेली है, बघेल है, गडरिया है, सुनार है, ये कर रहे हैं, ये सारे जय श्री राम के भगत हो रहे हैं। इनको समझाना पहले पड़ेगा। दिक्कत यह हो रही है, हम लगातार हमारे समाज को जो पीड़ित लोग हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, माँ बाप अनपढ़ हैं। अभी जो पीढ़ी है वो थोड़ी 10वीं 12वीं में कहाँ ना आई है, अभी बाप को तो वही है ना, बाप को बात करोगे तो सीधा कह रहा अरे मुसलमान राज आ जाएगा। अरे हम कह रहे तुम इनके बाप का बाप भी ना ला सकता। जब मुगलों का राज था यहाँ पे, जब उनका इतना बेईमाना नहीं हुआ, इतनी छल नहीं हुई, इतनी कपट नहीं हुई, तो तुम क्यों दिमाग में गंद भरे? गलत नहीं किया ना, हमारे से कोई गलत नहीं किया, हमारे से अंग्रेजों ने भी नहीं किया। हमारे मंदिरों को जो बोध गयाए थी, बोध मंदिर थे, उन पे जो ना अटैक करा। और एक बात हो रहा, बार बार मत कूदिए, बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आरएसएस की भाषा मत बोलिए। आप हिंदू की बात कर रहे हो ना, आप लेके आइए ना, इस देश के अंदर 4 मठ हैं। आप हिंदू कह रहे हो, हिंदू कहने वालों को कहता हूँ मैं, चैलेंज दे के कहता हूँ, इस 4 मठ है ना हिंदुओं के, अरे दलितों को दे के देखो एक, और एक ओबीसी को दे के देखो ना, जब पता लगेगा कि आप असली जो है इस देश भक्ति की बात करते हो, नकली देश भगत है। और हमारा वोट लेने के लिए हिंदू है, हम बढ़ाओ एक मठ का मालिक है। मोहन भागवत का बयान आया था 2015 में, इसी जंतर मंतर पे हमने आवाज लगाई थी। राज ठाकरे का बयान था, कह रहा जी आपको अलग मंदिर बना के दे देंगे, और राम जादो छुआ छात आज भी तुम्हारे दिमाग में, क्यों दे दोगे अलग बना करके? हमारे को जो मठ है आज, जिस पर अरबों खरबों रुपए चढ़ावा चढ़ रहा है, मठों पे कब्जा करेंगे। सही कहा आप, पकड़े सही, मठों पे कब्जा करेंगे। उनके बाप का धन संपत्ति नहीं है, हमारा पैसा है, हमारे को मूर्ख बना के ना उस पर चढ़वा के ना, वहाँ वो इतने हंडिया जैसे पेट हो रहे हैं उनके। शिक्षा पे हमारा नुकसान किया, राजनीतिक सत्र पे हमारा नुकसान करा। आज बार बार कावड़ की बात आ रही है, वो कावड़ लैंड कौन जा रहे हैं? आप सर्वे कर लीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर 60% उसके अंदर ओबीसी के अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि हमने देखा है। हम उस गांव देहात में उस जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, जहाँ बंजर जमीन पड़ी है, कैसे पहाड़ हैं, कैसे लड़ेंगे इसी ताकत को? देखिए इस ताकत का सीधा सीधा है, सरकार के ऊपर दबाव लगातार कंटिन्यू हम बना रहे हैं, और जैसे ही जातिगत जनगणना होगी वैसे का वैसा सारा का साथ। जातिगत जनगणना से समाधान निकल आएगा क्या? देखिए जातिगत जनगणना एक मुद्दा है बहुत बड़ा, और उस मुद्दे को पकड़ के, उसमें हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं ना, इसी तरीके से वो मुद्दा है, उसके पीछे मजदूर भी आ रहा है, फैक्ट्री मजदूर भी आ रहा है, उसी के पीछे खेत मजदूर भी आ रहा है, उसी के पीछे रेल मजदूर भी आ रहा है, उसी के पीछे बैंक मजदूर भी आ रहा है, उसी के पीछे जो ना और तमाम तरह के इस तरीके के जो इंडस्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जो पीड़ित शोषित हैं, वो सारे इसी जातिगत जनगणना के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। और जब तक जातिगत जनगणना का मुद्दा सरकार नहीं मानेगी, तब तक रोड पे इसी तरीके से
ओबीसी समाज का कहाँ दोहन हो रहा हो तो देश का। अरे भाई ओबीसी समाज को खुद को ही नहीं पता, आदिवासी समाज को, ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज को नहीं पता मैं ओबीसी हूँ। समस्या तो यही आ रही है। अभी हमारा पहला ट्रायल है, ओबीसी के लोगों को पकड़ पकड़ के हिलाना पड़ता है कि आप ओबीसी हो। नहीं मैं ओबीसी नहीं हूं, मैं जर्नल हूं। भाई हरामजादे बता तो दे कैसे जर्नल है बता, तब उसको समझाना पड़ता है कि अभी मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना, अभी मैं आठवीं क्लास में पढ़ता हूँ। जब बारहवीं में आएगा ना तब जाकर ना उसको ओबीसी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जब कॉलेज में जब एडमिशन लेगा वहां जरूरत पड़ेगी। तमाम जब आगे जैसे बढ़ेगा और जब 1% 2% से अभी 86 और 83 की बात आ रही है ना, एडमिशन जर्नल वालों का हो गया है, जर्नल वालों का एडमिशन हो गया। और हमारे यहाँ 6 लाख और 8 लाख का रोड़ा अटका के क्रिमिनल लेयर लगा करके इनको रोक दिया। अब ओबीसी के जो कथाकथित ब्राह्मण बन रहे थे ना, अब उनको समझ में आ रही है बेटा जेई लगता, बेटा प्रोफेसर बनता, अब उनको झटका लग रहा है। अब कह रहे हैं जी श्रवण तो ले गए और मारा रुक गया। अरे भाई हाँ, अब ये चीजें जो धीरे धीरे समझ में आ रही है लोगों के, बाहर आएंगे। एक चीज और है, जो लखटकिया लोग है ना हमारे ओबीसी के, जो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो कमा रहा है ना, जिसको बीवी की जरूरत है, जिसको टीवी की जरूरत है, और आजकल टुकड़ा खरीदने लग गए, छोटा छोटा प्लॉट के टुकड़े खरीदने लग गए, वो लोग भी हमारे लिए बहुत घातक पैदा हो रहे हैं। जब तक सारे लोग मिलकर साझा लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये, तब तक बात नहीं बनने वाली है। एक आखिरी सवाल, अभी जैसे अग्निपथ वीर जो स्कीम निकाली गई, इसमें तो फिर से आरक्षण लोगों से पूछा जा रहा है, जिनकी जाति पूछी जा रही है, क्या पहले नहीं पूछा जा रहा था? देखिए ये इस तरह का नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लगातार इस देश के अंदर समय समय पर बोलती रही है। जाति का तो मामला ही नहीं था, पहले तो 4 साल का मामला था। और 4 साल के बाद में उन्होंने क्या कहा था, जब रोड़ों पे छात्र युवा निकला और मोदी की पूरी सरकार पूरे देश के इनके भयभीत हो गए, भयभीत नहीं जूतों से मारा है, भयभीत अलग मामला होता है। घरों में घुस घुस के बीजेपी के एमपी सांसद एमएलए कार्यकर्ताओं तक को पीटा है, भयभीत की बात क्या गलत है? जब मेरे ऊपर कोई मेरे शोषण कर रहा है, मेरे हक अधिकार के ऊपर हमला है, तो मैं मुक्त दक्षक बन के देखता रहूंगा क्या? जनता ने ठीक किया और हम उनके इस उनके चढ़ाई करने का, उनके हक के जो वाजिब मांगे थे उनके हम साथ खड़े हैं। स्कीम वापस नहीं होगी, स्कीम वापस करनी पड़ेगी। कौन है, कितने झूठे मक्कार लोग हैं सर, दो साल से कहा नौकरी के लिए। अरे आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं, आप जैसे बीजेपी के आरएसएस के लोग हो, आप ही ये बात कह रहे हो। वो सारे जाके दोबारा देख रहा, चश्मा बदल के आपका देख रहा, वो कौन लोग हैं? वो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो वहां पे दिखाया जा रहा है, ये देखिए वो दूसरे लोग हैं और ये दूसरे लोग हैं, ठीक है। जब इन्हीं का खुद बिहार का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, विपक्ष का सबसे ताकतवर आरजेडी कह रही हम विरोध करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ऐसा क्या है भाई? एक बारी थोड़ी हकड़ी दिखाता, जब जनता का प्रेशर होता है तो पीछे आ जाता है। इतने मामलों में आप देख तो लो, देखिए कांग्रेस का मामला अंदरूनी मामला है, स्मृति ईरानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आदमी कभी सच्चाई बोला नहीं हो, सच्चाई का साथ नहीं, उनकी क्या बात करें, सच्चाई नहीं बोलती कभी भी नहीं है। कहां महंगाई के टाइम में तो आपके लिए, अरे वो दामनी कांड को लेकर बाबा रामदेव जैसे हरामी इस देश में आ गए, अन्ना हजारे जैसे लोग आ गए, तब जाके ये हम लोगों का भी राष्ट्रवादी लोग, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं थे, ये हरामी लोग थे, ये लुच्चे लफंगे बेईमान मक्कार लोग थे। किनको इनको राष्ट्रवादी कह सकते हो? आज एक बयान पे रामदेव की पतलून ढीली होगी। ये कहा था कि जब आप पेट्रोल के जब दाम थे तो आप कहां खड़े थे, जब ही पत्रकार के बचाने की जरूरत, राष्ट्र नहीं बचाना याद, वंचितों को शोषितों को पीड़ितों को बचाने की जरूरत है, राष्ट्र हम अपने आप बचा लेंगे। राष्ट्र बचेगा तो नहीं, सब बचेगा। इस देश से आरएसएस बीजेपी को जाना तय है। इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, सब एक यूनिटेड होकर के एक फ्रंट के नीचे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आरएसएस और बीजेपी का पतन होने वाला है इस देश से।